देखो क्या भाई, हमने चार उंगली पांच उंगलियों का तो बहुत कमाल देख लिया है। आज हम तुम्हें दो उंगलियों का कमाल दिखाएंगे और देखेंगे कि दो उंगलियों में कितनी ताकत है। इसका नाम एक्सपर्ट गेमिंग और लिटरली गायरोस्कोप पे खेलता है टू फिंगर के साथ। अगर तुम चैनल पर तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल, नोटिफिकेशन बेल की साथ कमेंट के साथ कौन से तुम चाहते हो कवर करें। अभी देखो हमारे एक्सपर्ट भैया उतरे, ठीक है। अब तुम अगर नोटिस करोगे बहुत पुराने आउटफिट पहन के खेल रहा है यहाँ पर, बहुत पुराने, लाइक सीजन 10 की होगी। इधर तो यहाँ पे भाई बंदे ने एक बंदे को नॉक किया। अब देखो एक्चुअली में जो टू फिंगर प्लेयर्स होते हैं ना, इनकी दो उंगलियाँ सिर्फ इस्तेमाल होती है। इनका क्लोज रेंज तुम्हारे क्लॉ वाले प्लेयर से बहुत बेटर होता है भाई। तुम देख रहे ना जितने भी बेस्ट असॉल्टर है हमारे पबजी के, इंडिया के अंदर ही उठा लो या बाहर की कोई कंट्री, कोई भी कंट्री में उठा लो, तो तुम्हें पता चलेगा एक चीज़ नोटिस करोगे तुम, क्यों ज़्यादा टू फिंगर प्लेयर्स, चाहे वो नियो हो गया, जोनाथन हो गया, भाई साहब एक और प्लेयर गया यहाँ पे, क्योंकि भाई साहब ये लोग क्लोज रेंज में एकदम डैडी लेवल पे खेलते हैं भाई, मजाक से हट के। नीचे प्लेयर है इसे भाई साहब ने यहाँ पर साथ में M416 मिल गई भाई। इतने वाह तारे जमीन पे, उसको पता ही नहीं कहाँ पे घूम रहा है वो। ये इतने नूबड़ी के बॉट ऐसे टक 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 कान पे करते रहते। अरे भाई साहब बंदा नीचे कैंप कर रहा है, उसका टीममेट भी उधर ही भाई, बाइसन मार रहे थे भाई, इसके हाथ में M4 इसने कहा रहे। अरे M4 बाद में चलाएंगे, अभी बाइसन से बंदे मारते भाई। जिंदगी में इतना कॉन्फिडेंस चाहिए था उसकी, बाइसन से ऐसे बंदों को मार पाओ उसके, मैं तो बाइसन फेंक देता हूँ भाई उठाते ही, बोलते हो ठीक ठीक ये क्या गंदी गन है। बट मैंने देखा है रिसेंटली भाई बहुत बाप प्लेयर्स बाइसन चला रहे हैं। इसमें मौली है यहाँ पे, वहाँ पर शायद से बॉट स्कैम है कि असली प्लेयर है भाई, पता भी नहीं मेरे को। भाई असली प्लेयर लग रहा है भाई, ये बॉट तो लग नहीं रहा। अरे भैया जी क्या चल रहा है ये, वो बॉट है क्या है वो, कंफ्यूजन है भाई मेरे को तो बहुत बड़ी वाली। वो बंदा कैसे एकदम M762 ऑटो पे चला रहा है भाई, वो एकदम धर्र करके, ये बॉट है तो ये गोली तो ऐसे मार रहा था। एक प्लेयर वहां पे गाड़ी पे घूम के आया था उसको मारा। अरे भाई ये कैसे ऊपर आ रहा है, अरे भाई सब स्कैम। अरे ये ऊपर कैसे आया, अरे सीढ़ी के ऊपर एकदम कोने से, मेरे को पता भी नहीं था ऐसा भी हो सकता है इस गेम में, इतनी कोनी सी जगह पे ऊपर चढ़ के आ गया चुपचाप भाई, एनिमी को पता भी नहीं चला। अब यहाँ पे गुब्बारा लेके यहाँ पर जा रहा है भाई, क्या ही स्कैम है भाई। यहाँ पे बंदा टीवी भी ले रहा है क्या, नहीं कोई नहीं है दोस्त यार, ऊपर है, ओ ऊपर लेटा हुआ है, कूदा नीचे भाई भाई भाई, एनिमी ने ट्राई किया इधर, लेकिन दो टू फिंगर गायरोस्कोप की ताकत है लगे दोस्त। अभी यहाँ पर अरे अरे गाड़ी सामने जा रही, गाड़ी ठो है ये मुझे लगा था गाड़ी ठोकेगा उनकी, गाड़ी उल्टी घुमा देगा और वहीं उतर करके बमबाजी कर देगा, लेकिन ये तो एकदम आगे आ गया और वो लोग पीछे पीछे आ रहे हैं। अरे भाई साहब तुम पीछे कहाँ आ रहे हो, एक बंदा गया और पास आ रहे शायद, ठोकेंगे गाड़ी क्या, लेके जा रहा है एक और प्लेयर गया, आई गेस एक प्लेयर तो पीछे उतर के रिवाइव देने के लिए, हाँ भाई वो रिवाइव देने उतर गया था। ठीक है अपार्टमेंट्स पे अब हमारे भैया आते हुए एक्सपर्ट गेमिंग भाई अपने एक्सपर्ट गेम प्ले के साथ आ गए, इन्होंने गाड़ी ठोकी, अब यहाँ पे दो दो गाड़ी ऑलरेडी ठोकी हुई है, तो बंदा ऊपर है भी भाई, फुटस्टेप आ रहा है, एक अकेला बंदा भी हो सकता है, फिर चार बंदे चुपचाप बैठ के कैंपिंग भी कर सकते हैं भाई, अपार्टमेंट में कैंपर्स बहुत गंदे लेवल के होते भाई। ये तो कते स्पाइडरमैन है भाई, अभी स्कैम हो जाता मजा आता है भाई साहब। अरे इसको बहुत ज्यादा रिस्क लेने का शौक है भाई, ऐसे कैसे घुस रहा है ये। अरे इसको डर वगैरह नहीं लगता क्या, देखो जिसके हाथ में ग्रोजा होती है उसको वैसे भी डर नहीं लगता है, बट तब भी यार मुंह पे रिवाइव दे रहे हैं भाई भाई भाई, गलत सीन भाई, मेरे को उम्मीद नहीं थी ये फाइट जीतेगा, ये जैसे घुस रहा था ना भाई ऐसे उड़ जाते हैं हवा में। अ प्लेयर इज चैलेंजिंग यू फॉर रिवेंज, क्या ही रिवेंज लेगा रे तू, उसका टीममेट आया शायद, आया अंदर, ग्रोजा का प्रीफायर मारा भाई टकले पे भाई, ग्रोजा बहुत डैमेज है भाई, पता है ग्रोजा को मारने के लिए तुमको बस शॉटगन चाहिए, बस वो अकेली गन है, चाहे तुम कितनी भी ग्रोजा लोजा चला रहे हो, वो कान की एक थप्पड़ मारती है ग्रोजा को चुपचाप बिठा देती, बट वो ये कि तुमको बहुत क्लोज रेंज में मारना पड़ेगा, अगर मीडियम या लॉन्ग रेंज है तो ग्रोजा इजीली जीत जाएगी। अरे सामने प्लेयर आया, ओ भाई साहब उसको तो मुझे पता है इसका एम ट्रैकिंग बहुत अच्छा है, लाइक इसकी गोली सिर पे ही जाके लगती है, पता है इसका एम सिर पे ही रहता है, वो अच्छा देखा मैंने, नोटिस किया है पाइसन वगैरह से इसलिए मार पा रहा है ये,
तुम इसको अपने आप ट्राई मत करना भाई, बाइसन वगैरह से मारने का किसी को मरमुरा जाओगे, केडी कम हो जाएगी, माइंस पे जाकर थप्पड़ लग जाएगा। इसके लिए तुमको बहुत हाई लेवल का एम चाहिए। तुम देखना इसकी गोली जाके सिर पे लगी, वो हमेशा कोशिश कर रहा है कि जो उसका एम है वो नेक और उसके ऊपर है। यहाँ पे डंपलिंग्स मिल गए और बंदा कैंप भी कर रहा है। अरे भाई साहब नुबड़ी के ऊपर लेटा हुआ है भाई, जल जुला जाएगा वो तो। ये वापस ऊपर स्टाइल में जाने वाला है। अरे नहीं नीचे गिर गया भाई। ये पता है कोने से इतनी जगह से जाता है ऊपर, अभी वापस शायद वही करेगा ये। एक्सपर्ट गेमिंग भाई तुम ये जो कर रहे हो ना ये बहुत गलत चीज है भाई। वो गोली भी नहीं मार पा रहा इसे। अरे भाई साहब क्या है ये भाई, बंदा बाइसन लेके कैसे उड़ के जा रहा है अरे बंदों को मारने। ये मिल्टा में नहीं, हाँ मिल्टा ही तो कहते हैं इसे। कहां से कहां कूदे जा रहा है दोस्त। एनिमी ने देख लिया इसको, अब वो सामने से क्लोज इन कर रहे हैं। लेफ्ट साइड से प्लेयर आया, डीपी का प्रीफायर मारेगा वो, बट M762 के सामने तो भाई डीपी 28 कुछ नहीं कर सकती। एक प्लेयर शायद ऊपर बैठा हुआ, हाँ वो हरा हुआ था भाई। पौधे को वापस लिटा दिया भाई साहब। पीछे से एक प्लेयर, अरे ले गया भाई। ओके बंदा ऊपर चढ़ा हुआ है, ठीक है। उसने जैसे ग्रेनेड फेंका तो मुझे तो लग रहा है कि उसने खुद भी फेंक लिया था ग्रेनेड एक बारी को। ओके अब दूसरे बंदे को बहुत गलत मारा वैसे, बता रहा हूँ। चैलेंज कंप्लीटेड, नाइस। अरे ऊपर बंदा क्या कर रहे हो, ये वापस ऐसे गंदे तरीके से ऊपर जाएगा पता है। ये ग्रेनेड फेंक दिया इसने, अरे वो तो फटेगा भाई। वो बन गया रेड जोन, उस पर वो गया। उसने एक तो खुद की मौली ऊपर गिर ली, ऊपर से ग्रेनेड ऊपर आ चुके, अब तो गया वो नहीं, खत्म है भाई, चांस ही नहीं था बचने का उसको। हरी बैजन मिला है भाई से उतरते ही। ये इतनी छोटी सी गन है ना, ऐसा लगता है मिनी स्कारल है, मजाक से हट के। ये ऐसी मिनी स्कारल जैसी नहीं दिखती है, छोटू सी नन्नी जी मुन्नी जी ली ली ली। भाई क्या गन है यार, जबरदस्ती की गन बना के फेंक दी गेम में। इस गन की क्या जरूरत थी पबजी वाले, तुम इसकी जगह नॉर्मल स्कारल रख दो, इंसान स्कारल चला दे। तुमने क्या सस्ता वर्जन रख दिया स्कारल का। ओके प्लेयर सामने भाई टीवी भी ले रहा है उसके पीछे डब्बे के, भाई मौली से चला देगा ऐसे तो। गया वो, भागा लेफ्ट साइड को, आग लगी उसके अंदर। मैंने नोटिस किया ये एकदम, पता है ये ऐसी गने चलाता है, मतलब ऐसी गने जो इंसान उठा के फेंक दे। बाइसन हो गया ये, हनी बैजर जैसी, लाइक सही बता रहा हूँ मैं। कौन चलाता है ये गने, हमारे एक्सपर्ट भैया चलाते, कोई तो रीजन होगा। ऊपर एक बंदा है, थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, अपोनेंट पे अच्छा टीवी पे एडवांटेज है, ऐसे करना नहीं चाहिए। ओपन में ढंग का प्लेयर होता तो अभी तक तो दे देता मुँह पे इसको। राइट साइड से एक प्लेयर आ रहा है, पीछे वाला कूद गया नीचे। ओके वो दूर के भाग रहा है, किधर जा रहा है। अरे अबे वो क्या कर रहा है ऊपर, अम्यूजमेंट पार्क में आया है क्या नूबड़ी के, पब्जी खेलने आया, कूदम का दिखाई कर रहा है। वो ऊपर ऊपर ही बैठा है, उसके पास पता है कितने चांसेस इसको मारने के, इतने सारे चांसेस थे। नूबड़ी के ने पता नहीं क्या किया है, अभी ये रश कर रहा है उस पे। अरे सारे जमीन पे प्लेयर, मेरे को लग ही रहा था इसकी हरकतें देख के इससे ना हो पाएगा भाई, सही बता रहा हूँ मैं। प्लेयर जो टीपी भी ले रहा था ना, क्या बंदे इसकी तरफ भाग के आ रहे हैं और ये बंदों के पीछे भाग के जा रहा है भाई। वो तो क्या ही भाग के आएंगे इस पे, बट अभी स्पॉट हो गया। ओ उसको ऊपर से, अरे इसको इसने किल चुरा लिया भाई एंड टाइम पे हेडशॉट मार के। एनिमी तो बहुत गुस्सा होगा, बोलेगा नूबड़ी के मेरा किल चुराएगा। वो दिखा वहाँ पे, उसको स्पॉट हो गया है शायद, कैसे भाग रहा है। लॉन्ग रेंज की गन नहीं है तो उस बटे चला है सिरा ऐसे। यार इसने ढंग की गन क्यों नहीं उठाई यार, इसने इतने बंदे मारे, ये गन क्यों चलाता है ऐसी, पता नहीं क्या क्या इसका अलग ही मजा आता है भाई ऐसी निब्बी जैसी गने चलाने में। बाइसन नी बैजर टाइप उसने तो कर ही लिया भाई, इसने एक झटके में बंदा ऊपर है चला गया। वो शायद से उस तरफ टीपी भी ले रहा होगा आगे की तरफ से, हाँ चांस है। वो नीचे तो नहीं गया होगा, चांस ही नहीं बैठता कि नीचे चला गया, वो वेट ही कर रहा होगा इसका ऊपर आने का। मारेगा सामने से निकल के, पता है वो। ओके ये थोड़ा इंटेंस हो सकता है यहाँ पर अब। अरे भाई निकला वो, भाई साहब दे दिया मुंह पे उसके भाई, गलत उड़ के। ये बढ़िया था भाई, शटडाउन खाया नहीं मैंने। तो गाइस ये तुम्हारे एक्सपर्ट गेमिंग का वीडियो, मजा सब्सक्राइब करना बिल्कुल, नोटिफिकेशन बेल के साथ जोर जाके हमारे एक्सपर्ट गेमिंग को भी सपोर्ट करना। बाय, टेक एंड हैव अ ग्रेट टाइम एंड पीस आउट।
Ladies and gentlemen, can I please have your attention? I need all of you to stop what you're doing and listen.